और यहाँ शाम के 7 बज चुके हैं और पीटीआई का ज़बरदस्त एहतजाज चल रहा है सरगोधा में। ये 47 पुल है और पीटीआई का एहतजाज चल रहा है। यहाँ पे रोड ब्लॉक किया हुआ है, बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को गुजरने में। लंबी लाइनें गाड़ियों की लग चुकी हैं और चारों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है। आदिल भाई और पीटीआई का एहतजाज चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं दुनिया को गुजरने में मुश्किलात हो रही है। ये 47 पुल है और लंबी कतारें यहाँ पे गाड़ियों की लगी हुई हैं, बहुत रश है और इन्होंने बैनर उठाए हुए हैं। यहाँ पे कौन कौन साहब आए हुए हैं? अंसर मजीद साहब शायद आए हुए हैं, नादिया अजीज आई हैं, अंसर मजीद साहब आए हुए हैं और भी काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं। बेशुमार बेशुमार ये हालात हैं जी पुल 47 पे। यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा आवाम है यहाँ पे सरगोधा में और यहाँ पे लंबी कतारें लग चुकी हैं कैंची मोड़ तक और इधर से 49 टेल तक। 49 टेल रोड है, फैसलाबाद रोड है, इसमें भी लंबी कतारें लग चुकी हैं और इधर भी डेवो अड्डे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और यहाँ पे चौधरी अजहर मल्ली साहब एडवोकेट जो हैं वो भी अपना जुलूस लेके आ चुके हैं और कोई इमरान खान के बगैर कोई लीडर नहीं है, हम किसी को नहीं मानते इमरान खान के बगैर। इमरान खान है तो सबकी इज्जत है, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान है तो ये सारे जितने एमएलए एमपीए हैं सब है, अगर इमरान नहीं है तो कोई भी नहीं। आज का आवाम का जो शऊर है वो खान साहब के मरहोने में नहीं है, वरना ये सोई हुई कौम थी जो पिछले 75 साल में आपको बता रही थी। आपको बता दूं, आप सुन ले, गौर से सुन ले, इमरान खान आप किसी कुत्ते को भी खड़ा करेगा तो लोग उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान की अपोजिशन ये है, इमरान खान को किसी लीडर की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान वो लीडर बन चुका है पाकिस्तान का, पाकिस्तान से इससे बड़ा लीडर ना आया है ना आएगा। मेरा कैद आजम के उम्मत मुसलमान के लिए इमरान खान से बड़ा लीडर कोई नहीं, लीडर ना आज तक आया था और ना आएगा। आपने देख लिया, उम्मत मुसलमान ने भी देख लिया, यहाँ की पूरी दुनिया ने देख लिया हुआ, बेशक तकरीबन 80 से ज्यादा दुनिया किन लफ्जों से लेजेंडरी के नाम से जिसको पुकार, आप जो लोग यूरोप में पूरे यूरोप में जो इज्जत, ये कोई लीडरशिप नहीं है कि आप अपने घरों में सुकून से बैठे रहे, आप 2.5 करोड़ की गाड़ी में से निकल के आए और बड़े टाइम पे आए और एहतजाज रिकॉर्ड करें, अपनी वीडियो सेशन बनाएं और घर चले जाएं। ये इसलिए इमरान खान ने कुर्बानी नहीं दी, इमरान खान ने आप लोगों के लिए गोलियां खाई हैं, बिल्कुल आप
लोगों के लिए गोली खाई है इमरान ने, उसको किसी चीज कमी नहीं थी, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उसने भी लाहौर लिबर्टी जोक में मनवा लिया था, वो वहाँ पे वीडियोस मूवीज बनवाता चुप करके जाके घर आ गया था। बिल्कुल, उसको क्या जरूरत थी कि वो इतने दिन शाम तक 73 साल की उम्र में जो है वो खतर खराब होता रहा कंटेनर के ऊपर, और एट दी एंड जो परसों जो हुआ उसको क्या जरूरत थी ये सब होने की, क्या मौका देने की, वो भी फोटो सेशन करवा के घर में बाय आसानी इजीली एक शाहाना जिंदगी जी सकता है। उसे भी ऑफर है भाई, ये यहाँ पे ऑफर लेने के लिए हम दिखावे ये वहाँ पाकिस्तान में आज तक जो होता रहा है ना, यहाँ चूरी खाने वाले मियां मिट्टू हैं सारे, कुर्बानी देने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूँ आओ इमरान खान की तरह खाओ सीने पे गोली, मैं मानूंगा तुम्हें लीडर कोई है ऐसा। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान साहब, इमरान खान पे जान कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, इमरान खान पे सब कुछ कर, सुभान अल्लाह, हमारी जान इमरान खान, हमारा ईमान इमरान खान, वाह चल साहब वाह, हमारी आन इमरान खान।